अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई हम रोहतक बैनी रोड पर मौजूद हैं। रोड जाम है, पूरा गांव बाली आनंदपुर रोड के ऊपर बैठा है। ये आप देखने लग रहे हो, एक बार दिखा दे भाई ऊपर ठाक है ये रोड जाम। तो क्यों है रोड जाम आपको बताना चाहूँगा। कल शाम ने लगभग 5 या 5:15 बजे ही गाँव बाली आनंदपुर में एक बलराज नाम के बुजुर्ग को, जिसकी उम्र लगभग 54 साल है, उसके गोलियाँ मारी गई। गोलियाँ मारने वाले अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। कौन थे, कहाँ से आए थे, के मामला था, क्यों मारी, के रंजिश थी, के दुश्मनी थी, कुछ नहीं पता। गांव क्यों बैठा है ये गांव वाले से पूछेंगे। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। के नाम आपका? अशोक कुमार। अशोक भाई साहब, के मतलब भाई जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते तब थोड़ा गाज भाई, जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते तब तक बैठे हो या बस डेड बॉडी के लिए बैठे हो? तब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाते तब तक बैठे हैं जी। आप बलराज के क्या लगते थे जो मृतक हैं उनके? चाचा लगते थे हमारे वो। अच्छा, वो आपके चाचा परिवार में ही थे? हाँ परिवार में जी। तो क्यों भाई साहब, कोई पहले रंजिश थी, कोई झगड़ा था, क्यों, कुछ तो आइडिया लग गया होगा? किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था, वो तो अपनी एक परचून की दुकान चलाते थे। कोई जमीनी विवाद नहीं थे? शरीफ आदमी थे। कोई जमीनी विवाद नहीं, कोई किसी पर बात, कोई किसी तरीके का कोई ऐसा मामला था नहीं? था नहीं ऐसा कुछ। क्यों मतलब कुछ तो कड़ी हाथ लगी होगी, क्यों मारना? कुछ भी नहीं लगी, अभी पुलिस को भी नहीं लगी है, अब गांव को भी कुछ पता नहीं लगा। कोई मारने वाला कोई समझ में आया हो, कोई देखा हो किसी? ना किसी ने देखा, जसमदीद भी नहीं है कोई। उस समय जब गोलियां मारी गई कौन था वहाँ पे, कोई गाँव के बंदे थे कुछ? नहीं कोई नहीं था, कोई नहीं था। उधर ठेके से शराब लेकर रोड पर चढ़ रहा था। अच्छा, तो शराब की वजह तो नहीं रही है कोई, उसके शराबी साथी तो नहीं थे मारने वाले? तो पिता भी बिल्कुल अपना घर ले जाकर पिता था अकेला ही, किसी के साथ बैठ के भी नहीं पिता था कभी। अच्छा, अब मतलब पुलिस जैसे आईपीएस हरमिंदर मीणा आ रहा है तो उनसे बात हुई हो, गाँव वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई हमने जो टीम है ना CIA की भी FSL की भी टीम लगा रखी है, और एक जो फुटेज में कार आई है उसके नंबर क्लियर नहीं हो पाए हैं वो। अच्छा, गाड़ी आई है फुटेज में, कहीं ना कहीं CCTV फुटेज में दिखी है, लेकिन क्लियर नहीं हो पाई है कि कार किसकी है, के नंबर है? नहीं, क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं हुई है, जाँच चल रही है, जाँच चल रही है। तो क्या आश्वासन देने के बाद रोड जाम खोला जाएगा भाई साहब? वही होता थोड़ा सा पंचायत बैठी है, क्या डिसीजन लेते हैं अभी? अभी तक खोला नहीं जाएगा? नहीं है, मीणा साहब भी आए और इधर पंचायत भी बैठी है। मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, IPS हरमिंदर मीणा आए हुए हैं और वो बैठे गांव वाले से बात कर लग रहे हैं, आश्वासन देने लग रहे हैं कि भाई आप खोल दो, क्योंकि मीणा साहब ने तो खुली खुली एक बात कही है कि इस तरह से रोड जाम करना भी एक अपराध है, तो उस पर क्या कहोगे? देखो वैसे अपराध तो है लेकिन गांव ने परेशान होकर ये किया है। 4-5 दिन पहले एक वारदात हुई थी, उस पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ। उससे पहले गाँव में एक बार चोरी की वारदात हुई थी, उसका भी बगैर पूछे पाछे छोड़ दिया, फिर चोर वही मिला जिसको पुलिस उड़ा के ले गई थी। तो पुलिस की ढिलाई है कुछ, इसलिए प्रशासन को थोड़ा करने के लिए रोड जाम किया, टाइट करने का। टाइट करने, जब तक टाइट नहीं होगा नहीं हटोगे। शराब के ठेके वगैरह का भी कोई मैटर था, वो क्या है? शराब का ठेका तो वो गांव के पास है, उसमें शराब के ठेके से कोई झगड़ा वगड़ा किसी से नहीं था वैसे। अच्छा अच्छा, तो बाकी भाई अब हम फिलहाल बाली आनंदपुर गाँव में खड़े हैं मेन रोड के ऊपर, और पूरे गाँव ने ये रोड जाम कर रखा है। मांग इनकी सीधी सीधी है कि भाई बलराज के हत्यारे पकड़े जाने चाहिए। ऐसा भी कुछ सुनने में आया कि भाई ऊपर से ये बोला गया है जब रोड जाम नहीं खोलोगे डेड बॉडी नहीं देंगे। तो कल शाम की बात है, अब क्या टाइम हो गया है, देखो ना, डेड बॉडी मिल जानी चाहिए थी, अब तक अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार में कल परिवार के पूरा गाँव बैठा कल से जी। और कोई और हादसा हो गया तो मुश्किल हो जाओगी, मुश्किल हो जाएगी। जैसे उनके बच्चों हैं, बच्चे हैं, उनको भी सुरक्षा थोड़ी चाहिए भाई। उसमें गांव कल से भूखा बैठा है, बच्चे उनके हैं छोटे छोटे हैं सबके, बड़े हैं बुजुर्ग हैं सब भूखे बैठे, कौन खाएगा डेड बॉडी पड़ी उधर, खाना कोई खाएगा? खाएगा नहीं। तो भाई जिस तरीके से पूरा गांव रोड के ऊपर बैठा है, सबकी मांग एक ही है, डायरेक्ट जो IPS हरमिंदर मीणा है उनसे भी गाँव वालों की एक ही मांग है भाई, जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाओगे, पहले सबसे पहले तो इनका है भाई डेड बॉडी, जो बलराज की डेड बॉडी है वो गाँव वालों को सौंपी जाओ ताकि उसका अंतिम संस्कार कराया जावे। उसके बाद इनकी एक ही मांग है कि भाई बलराज के हत्यारे पकड़े जाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई, बैक टू बैक इस मामले में जितने भी अपडेट होती रहेंगी मैं आप लोगों के सामने लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए भाई पवन मलिक को दीजिए इजाज़त। सारे भाई राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।